मुख्यमंत्री जी माननीय मोदी जी का एक ही लक्ष्य, उनका एक ही उद्देश्य है, उनकी एक ही सोच है, उनका एक ही विजन है कि गरीब मजदूर और किसान का उत्थान, गरीब मजदूरों को न्याय मिले और इंसाफ मिले। ये जनता की आवाज़ है, जो जनता कहती है उसे करके दिखाती है, और पहले भी किया और आगे भी करेगी। आ गए भैया, आ गए फूल वाले, आ गए मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा हो तो क्या रणनीति नई, जो लोग हैं वो असंतुष्ट है शिक्षा से, रोजगार से, नौकरी से, उनको क्या कहना चाहते हैं जो विरोधी दल है? विरोधी दल को कोई मौका नहीं मिल रहा, कहीं कोई ऐसा पॉइंट नहीं जो उस पर वो बोले, उनको मौका न मिलने की वजह से ये बटामबाजी हो रही है। जनता अगर खुश नहीं होती तो आज ये मुंह इतना उबड़ के कैसे आता है यहाँ पर? आपके मुकाबले में महिला कैंडिडेट को उतारा है, बड़ी चुनौती भरा युद्ध आपके सामने। मेरे मुकाबले में कोई भी नहीं है, वो मुकाबला है तो उन दोनों का है, मेरा मुकाबला किसी नहीं है। मनोज बाबू क्यों पड़े हो चक्कर, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है चक्कर में। जीतेगा भाई जीतेगा, लो आप।
जैसा कि आप देख सकते हैं और बहुत ही ये पुलिस प्रशासन की जोरदार व्यवस्था है और यहाँ पर पुलिस के ऑफिसरों ने गाड़ी को रोक लिया है, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसलिए। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ एक और देख सकते हैं किस तरीके से अलीगढ़ के कलेक्ट्रेट का जो पहला गेट है तस्वीर महल पर, वहां पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। सपा कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, लेकिन वहीं पर पुलिस के जवान अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि आदर्श आचार संहिता का कोई भी उल्लंघन नहीं होने दिया जाए, और वहीं असंतुष्ट सपा के लोग ये अजीब सा कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ एक और सपा के कार्यकर्ता हैं तो वहीं पर सत्तारूढ़ पार्टी के विधायक एमएलए एमएलसी वगैरह अपने नामांकन के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर पुलिस के आला अफसर उन्हें और जैसा कि आप देख सकते हैं काफी मशक्कत चल रही है, बातचीत चल रही है कि ये ठीक तस्वीर महल के सामने का प्रदर्शन करते हुए सपा के कार्यकर्ता यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और वहीं एक और सपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, असंतुष्ट हैं, अपने वॉलंटियर्स के साथ नहीं जा पाए, वो अपने नेता के साथ नहीं जा सके। और दूसरी ओर बीजेपी के लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में यहाँ पर उनके वाहन को आगे लेके जाने की कोशिश की जा रही है। भाई साहब मोबाइल पीछे कर लेना, उससे पहले लोकदल में हुआ था, उसके बाद अब भाजपा में हुआ करते थे, सचपा में चले गए, ऐसे लोगों के आने जाने से कोई फर्क नहीं। धन्यवाद। पर्चा भराया, क्या कहना चाह रहे हैं जी? जी जी, और मुझे उम्मीद है जी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। तो क्या मुद्दे रहेंगे खास जो लेकर आज? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मोदी जी का एक ही लक्ष्य, उनका एक ही उद्देश्य है, उनकी एक ही सोच है, उनका एक ही विजन है कि गरीब मजदूर और किसान का उत्थान, गरीब मजदूरों को न्याय मिले और इंसाफ मिले। Yeah.
जय श्री राम। भैया एक मिनट पीछे पीछे। जय श्री राम। जय श्री राम।